अधिकारियों द्वारा फरार घोषित किए जाने के बाद अभिनेता साहिल खान को मुंबई पुलिस ने महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया था। मुंबई हाईकोर्ट द्वारा उनकी गिरफ्तारी पूर्व जमानत खारिज करने के बाद मुंबई साइबर सेल की एक विशेष जांच टीम एसआईटी ने अभिनेता को गिरफ्तार कर लिया है। महादेव सट्टेबाजी ऐप घोटाले में साहिल खान की भूमिका का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि उन्हें बुलाने का प्राथमिक कारण ये था कि उन्होंने ऐप को बढ़ावा दिया और लोगों से इसका उपयोग करने का आग्रह किया और ऐसा करके उन्होंने कथित तौर पर भारी मुनाफा भी कमाया है। वहीं साहिल खान को इससे पहले एसआईटी ने दिसंबर 2023 में तलब किया था, लेकिन अभिनेता इसमें शामिल नहीं हुए थे और अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करके गिरफ्तारी से बच रहे थे। सत्र अदालत द्वारा उनकी गिरफ्तारी पूर्व याचिका खारिज करने के बाद अभिनेता को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम सुरक्षा दी गई थी और पिछले हफ्ते यानी शनिवार को वे मुंबई पुलिस के सामने पेश हुए, जब उनसे 3 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई तो साहिल खान ने अपने खिलाफ एफआईआर को रद्द करने की याचिका के साथ बॉम्बे एचसी का भी रुख किया। हालांकि पीठ ने इसे खारिज कर दिया और उन्हें पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए कहा। मुंबई अपराध शाखा की एक टीम शुक्रवार को साहिल खान के घर पर गई, लेकिन वे लापता थे। बार बार प्रयास करने के बावजूद वे नहीं मिले और इस प्रकार उन्हें फरार घोषित कर दिया गया, जिन्हें बाद में छत्तीसगढ़ से पकड़ा गया। पिछले साल महादेव सट्टेबाजी ऐप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी और मैच फिक्सिंग के आरोप लगने के बाद मामला दर्ज किया गया था। इससे पहले जांच में रणबीर कपूर, हिना खान, हुमा कुरैशी और कपिल शर्मा का नाम भी सामने आया था। मुंबई साइबर सेल की एसआईटी ने रविवार को महादेव सट्टेबाजी ऐप के मामले में अभिनेता साहिल खान को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया है कि बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका खारिज करने के बाद अभिनेता को शनिवार को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से गिरफ्तार किया गया। अधिकारी ने बताया है कि बाद में उन्हें मुंबई लाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया।